राजस्थान में सियासी खींचतान के बीच जब से किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद से ही एक तरफ विपक्ष लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है और इन आरोपों का जवाब बीजेपी भी पूरे जोश से दे रही है और ये सिद्ध करना चाहती है भाजपा सरकार अपने वादों को हमेशा निभाती है। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं, कभी मदन दिलावर के बयान को एक अलग दिशा देकर तो कभी किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा से जुड़े हर सवाल के जवाब को देकर। इस कड़ी में विपक्ष और कुछ मीडिया कर्मियों का एक सवाल सामने आ रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन क्या वो पार्टी से नाराज है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सदन में भी गैर हाजिर रहेंगे। उन्होंने स्पीकर को लेटर लिखकर पूरे बजट सत्र में गैर हाजिर रहने की अनुमति मांगी थी, स्पीकर ने अनुमति भी दे दी, तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा पार्टी से नाराज है। लेकिन जब ये सवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा नाराज नहीं है, वो पार्टी के संपर्क में है, मेरी भी लगातार उनसे बातचीत होती है। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा सीनियर लीडर हैं, बहुत समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहाँ चुप बैठने वाला है, वो तो लगातार आरोप लगा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा बजट के दौरान भी उपस्थित नहीं थे और अब भी गैर हाजिरी की अनुमति मांगी है, तो अब देखना ये है कि सीपी जोशी कब तक जवाब देते हैं।